क्या आप चाहते हैं आपका होने वाला बच्चा संस्कारी हो? संस्कारों का दिमाग पर क्या असर पड़ता है? यहाँ की तमाम बड़ी पोजीशंस पर भारतीयों का राज क्यों है? आज का युवा संस्कारों से दूर ही जाता जा रहा है। माँ के गर्भ में कैसे बच्चे को संस्कार दिए जा सकते हैं? भारतीयों का राज क्यों है? इसके पीछे गहरा सीक्रेट छिपा हुआ है, चलिए जानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके होने वाले बच्चे की बुद्धि तेज हो? क्या आप चाहते हैं आपके दिव्य संतान पैदा हो? क्या आप चाहते हैं आपका होने वाला बच्चा संस्कारी हो, स्वस्थ हो और वह लाइफ में हर फील्ड में आगे बढ़े? तो आपको आयुर्वेद की गर्भ संस्कार विधि को अपनाना होगा। गर्भ संस्कार से आप मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं संस्कारों का दिमाग पर क्या असर पड़ता है। इंडियंस का दिमाग इतना तेज होता है कि दुनिया की तमाम बड़ी पोजीशंस पर भारतीयों का राज क्यों है? इसके पीछे गहरा सीक्रेट छिपा हुआ है, चलिए जानते हैं। भारत को सदियों से विदेशी आक्रमणकारी लूटते आए हैं। पहले भारत पर मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने हमें जमकर लूटा और अत्याचार किए। यहाँ की संपत्ति, यहाँ के खजाने, सोना, हीरे, जवाहरात सब लूट कर ले गए। यहाँ तक भारत की विरासत और संस्कृति को नष्ट करने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की। अंग्रेजों को पता था कि एकता ही इनकी ताकत है, इसलिए अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। लेकिन वो एक चीज को नष्ट नहीं कर पाए, वो थी हमारी सोच और हमारे संस्कार। इसी सोच और संस्कारों की वजह से आज एक बार फिर से भारत विश्व गुरु बनने की राह की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की भूमि संस्कार से भरी हुई है। हमारे माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। बचपन से ही हर तरह के संस्कार हमारे अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं। जिंदगी के नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। शून्य की खोज भी भारत में ही हुई थी। खूबसूरती बढ़ाने के लिए दुनिया में सबसे पहली सर्जरी भी भारत में ही हुई थी। और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी खोजें भारतीय लोगों ने ही की हैं, जिनका फायदा आज भी दुनिया उठा रही है। भारतीय संस्कृति तो साइंस से भी मीलों आगे है, जिनका जवाब आज भी साइंस ढूंढ रही है। जिन ग्रहों तक पहुँचना नामुमकिन है, उन ग्रहों के बारे में हजारों लाखों साल पहले ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में बता दिया गया था। हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर साइंस अब इन ग्रहों की खोज कर रही है। और यही रीजन है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में ज्यादातर वैज्ञानिक भी भारतीय हैं, क्योंकि दिमाग के मामले में भारतीयों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आजकल की मॉडर्न साइंस और साइंटिस्ट जो खोजे अब कर रहे हैं, वह बातें हमारे वेदों और ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बता दी गई थी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक भारतीय ही राज कर रहे हैं, क्योंकि भारतीयों ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। उदाहरण के लिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय पाल सिंह बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, ये सभी भारतीय ही हैं। दुनिया के जितने भी काम, जितने दिमाग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनमें भारतीय का डंका बज रहा है। उदाहरण के तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल भी इंडिया से ही हैं। जिन ग्रहों की खोज साइंस आजकल नहीं कर पाई, उन ग्रहों की चाल, दशा और दिशा के हिसाब से हमारे यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स बच्चे की पूरी जिंदगी की कुंडली भी बना देते हैं। है ना ये कमाल की बात। विदेशी लोगों की तुलना में हमारा खाना ज्यादा पौष्टिक है। विदेशों में लोग ज्यादातर मांस खाते हैं और हमारा शाकाहारी खाना ही हमारी सबसे बड़ी खुराक है। पोषक तत्वों का खजाना है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में विज्ञान छुपा हुआ है और इनमें समस्या का हल भी है। हमारे यहाँ बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब काम धर्म से जुड़े हुए होते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे अलग अलग धर्म और पंथ ही हमारे जिंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों में हवन की ही प्रथा है। इसके पीछे भी विज्ञान छुपा हुआ है। हवन कुंड में जो आहुति डाली जाती है, वो आहुति भी कई औषधियों सामग्रियों से बनी हुई होती है, जैसे कि आम की लकड़ी, चावल, जौ, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता
तिल, नारियल, लौंग, इलायची, कपूर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब औषधीय चीजों को जब आग में एक साथ डालकर आहुति दी जाती है तो उस स्थान का आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और बीमारियां पैदा करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और इन्हीं संस्कारों और ज्ञान के बीच हमारे बच्चे बड़े होते हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार और ज्ञान दें। अगर गर्भ में ही बच्चे को ये सब संस्कार, नैतिक मूल्य सिखा दिया जाए तो फिर क्या ही कहने। लेकिन आज का युवा संस्कारों से दूर ही जाता जा रहा है। विदेशी कल्चर की ओर आकर्षित होकर आजकल लड़के लड़कियां गलत आदतों का शिकार होते जा रहे हैं, बुद्धि खराब होती जा रही है, नशे के दलदल में फंसते ही जा रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद ही करते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं, ज्ञान दें, ये सब संस्कार, नैतिक मूल्य सिखा दिए जाएं तो क्या ही कहने। अब आप कहेंगे कि माँ के गर्भ में कैसे बच्चे को संस्कार दिए जा सकते हैं, ये सब तो झूठ है। लेकिन गर्भ संस्कार के जरिए हर माता पिता अपने होने वाले बच्चे को गर्भ में ही बुद्धिमान, तेजस्वी, सुंदर और संस्कारी बना सकता है। सदियों से हमारे पूर्वज ऐसे ही आने वाली पीढ़ी को संस्कार देते थे, ज्ञान देते थे। अब उसी प्राचीन भारतीय संस्कार पद्धति को शुद्धि गर्भ संस्कार ने दोबारा जिंदा करने और घर घर पहुंचाने का प्रण लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको आयुर्वेद से हर समस्या के आसान समाधान के बारे में समझाएंगे। आयुर्वेद में बताई गई गर्भ संस्कार विधि के जरिए महिलाओं की प्रेगनेंसी से जुड़ी हर समस्या का समाधान और फायदों के बारे में आपको जागरूक करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।